सब्सक्राइब कीजिए हैकर ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। आपको क्या लगता है, इस बढ़ते हुए साइबर क्राइम को हम रोक नहीं सकते? जितने भी टीन एज के स्पेशली स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, जस्ट फॉर फन, वो मज़े लेने के लिए किसी की भी फेक फेसबुक आईडी बना देते हैं या कुछ भी डिफेमेशन के लिए, सिर्फ एक मस्ती के लिए या एक रिवेंज के लिए उनकी फेक आईडी बना के यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, उनका टाइम वेस्ट करते हैं। क्या आपको लगता है अगर आप पकड़े गए तो आप बच पाएंगे? दिस साइड रिधि सोरल, साइबर लॉ कंसल्टेंट। आज के टाइम पे जितना ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ चुका है, वो जनरली अगर हम देखें, नोट करें, तो वो टीन एज के ग्रुप के लोग करते हैं या फिर थोड़े ट्वेंटीज़ के एज के ग्रुप के लोग करते हैं। जनरली ये चीज़ अब इतनी कॉमन हो चुकी है कि अब हर कैटेगरी के लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम एक ग्राफ देखें तो टीनएजर्स उसमें ज़्यादा हैं। सो ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप साइबर क्राइम कर रहे हैं जस्ट फॉर फन या सिर्फ किसी को टीज़ करने के लिए या सिर्फ किसी को परेशान करने के लिए, तो अगर आप उसमें पकड़े जाते हैं तो आप पे बहुत हाई पेनल्टीज़ भी लग सकती हैं और शायद आपको जेल भी हो सकती है। सो, आज मैं आपको बताऊंगी साइबर लॉ के बारे में। अगर साइबर क्राइम बढ़ रहा है तो डेफिनेटली उसके रोक के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ होगी। साइबर क्राइम के लिए भी लॉ होता है, जैसे हमारे पास कंप्यूटर्स है या हमारे पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स होते हैं या हम कोई डोमेन लेते हैं कंपनी के लिए, रजिस्टर के लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं या किसी भी वर्क के लिए हम डोमेन ले रहे हैं, तो इन सब के प्राइवेसी अगर कोई लीक करता है, हम एक फेक फेसबुक आईडी से लेके अगर हम यूट्यूब के वीडियोस तक देखें, अगर कोई हमारे गलत पिक्चर्स क्लिक करके यूट्यूब पे धमका रहा है कि हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे या हम आपकी इमेज को डिफेम कर देंगे या जो भी चीज़ है, ये सारे के सारी चीज़ हमारे साइबर लॉ में रजिस्टर होती है। एंड आप मानेंगे नहीं, इसी तरीके का एक सेक्शन है सेक्शन 66E, जिसमें आईटी एक्ट 2000 में, जिसमें अगर आप किसी की प्राइवेट पिक्चर्स क्लिक करते हैं विदाउट और नोइंगली और अननोइंगली हिज और हर कॉन्सेंट से, तो ये चीज़ 2 लाख की पेनल्टी दे सकती है और 3 साल तक की सज़ा भी दे सकती है अगर आप पकड़े जाते हैं। तो ध्यान रखें, अगर हम ये मस्ती मजाक के लिए कर रहे हैं तो सामने वाले को अगर हार्म होता है और आप पकड़े जाते हैं तो आपकी लाइफ भी स्पॉइल हो सकती है। अब अगर हम इसमें बात करें करियर गाइडेंस की, कि हम इसमें अगर करियर बनाएं, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहा है उस तरीके से हमें हमारी कंट्री को साइबर लॉ की भी बहुत ज़रूरत है, साइबर लॉयर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये खाली कोर्ट के लिए ही ज़रूरत नहीं है, आज कॉरपोरेट कंपनीज़ होती हैं, आज हमारे स्कूल्स होते हैं, आज हमारे प्राइवेट कंपनीज़, गवर्नमेंट एजेंसीज़, गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं, जिनको सबको साइबर लॉ की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ इसमें जो स्टार्टिंग पैकेज होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, अगर आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से किया है, अगर आपने डिग्री कोर्स किया है इसमें या आपने डिप्लोमा किया है, डिपेंड करता है कि आपने डिग्री किया है या डिप्लोमा किया है, आप फ्रेशर हैं या आप थोड़ा सा इंटर्नशिप के बाद परस्यू कर रहे हैं अपना करियर इसमें, मींस जॉब इसमें ढूंढ रहे हैं, तो उसके बिहाफ़ पे आपकी सैलरीज इंक्रीज़ होती हैं और सैलरीज भी लगती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम मिनिमम से मिनिमम माने तो 2 to 3 lakhs की स्टार्टिंग सैलरी होती है, लेकिन जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहा है उस हिसाब से साइबर लॉयर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जो कि अभी हमारे कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा नहीं है। सो मेक श्योर, आप अगर करियर अपना बनाना चाहते हैं 12th के बाद भी, तो आप इस पर्टिकुलर लाइन को चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।